शुक्रिया। सिलेतार, क्या खबर है? क्या उसने अपना मुंह खोला? राजी हो गया मेरे आका, लेकिन सिर्फ आपसे बात करना चाहता है वो। राहिब लोरेंजो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बताओ क्या जानते हो? आली मर्तबत बादशाह, उस्मानिया एक बहुत बड़ी सल्तनत है, और अगर आप चाहें तो यह सल्तनत और बड़ी हो सकती है। ना सिर्फ रोम बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं। रोम कहा ना? रोम, वियना, पूरा यूरोप बगैर खून बहाए बगैर जंग की आपके कब्जे में आ सकता है। वाकई तुमने तजस्सुस में डाल दिया मुझे। ये बताओ ये कैसे मुमकिन होगा? अगर आपने मेरा कहा माना तो आप तारीख के सबसे ताकतवर बादशाह बन सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त। मेरे आका, उसके लिए आपको ईसाइयत कबूल करनी होगी। राहिब लोरेंजो, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? तुम क्या मुझे ईसाइयत कबूल करने की दावत दे रहे हो? एक इस्लामी मुल्क के सरबराह को तुम ये दावत दे रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है तुमने? बिल्कुल सोचा। इंजील पे ईमान लाके हजरत ईसा की तालीमात को तस्लीम करना ही काफी होगा। जिस तरह रोम वाले कॉन्स्टेंटीन को देख के ईसाई बन गए, उसी तरह ये तुर्क भी ईसाइयत कबूल कर और आपका मर्तबा पूरी दुनिया के हुक्मरानों से ऊंचा हो जाए, और इस तरह आपका नाम दुनिया के हर कोने में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, और मेरी किताब कुरान करीम है, और जहां तक दुनिया की बात है, वो एक न एक दिन मैं जरूर फतेह करूंगा। अजीज पैत्रो और अजीज चैफन भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस ये तू ना देख पाएगा। Yeah!